दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं अंश 5G अकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अंश 5G अकेडमी में। आज ये हमारा कार्बन और उसके यौगिक क्लास 10 का जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, इसका डे 6 है। आज हम बात करने वाले हैं हैशटैग डे 6 के बारे में। डे 6 में हम आगे के जो आईपीएससी नाम हम पढ़ रहे थे उनमें हम आगे आज बढ़ने वाले हैं। तो आज हम हो सकता है कि एमाइड समूह और एमीन समूह को यहाँ पर कवर करेंगे। दो समूह एक वीडियो में हो पाता है तो वो ही यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए, और ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वह मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हम बात कर लेते हैं, पहला हमारा जो पहला समूह है RCONH2, इसको हम बोलते हैं एमाइड समूह। क्या बोलते हैं? एमाइड समूह बोलते हैं। तो हम इसकी इस बारे में अभी बात करेंगे, आगे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझेंगे कि क्या एल्किल के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता था उसी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर CONH2 सेटिस्फाई हो जाता है, इसकी पूरी बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसको हम स्ट्रक्चर में बात करेंगे। अब आगे की जो बारी आती है इसका फार्मूला क्या होता है एंड सिंपल नेम एंड आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं। देखिए, इसका फार्मूला हो जाएगा CNH2N+1 CONH2। जैसा कि आप लोग एल्किल का फार्मूला जानते ही है, एल्किल के फार्मूला से ही इसमें CONH2 जोड़ते चले जाएंगे। बात आई सिंपल नेम की, सिंपल नेम में इसमें एमाइड जोड़ते चले जाएंगे। क्या जोड़ते चले जाएंगे? एमाइड जोड़ते चलेंगे। आप लोग याद रखिएगा, क्या जोड़ेंगे? एमाइड। अब आगे बारी आई आईपीएससी नाम की। आईपीएससी नाम इसका हो जाएगा एल्केनेमाइड। याद रखिएगा, एल्केनेमाइड, एल्केनेमाइड। फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, CnH2n+1 CONH2। थोड़ा स्पेस कम था, छोटा लिखना पड़ा। तो अब हम चलते हैं n=1 लेने पर। n=1 बाद में लेंगे, हम सबसे पहले CH3 लेते हैं, एसिटा लेते हैं। तो वही बात हुई, n=1 हुआ, तो n=1 पर देखते हैं। 1 है तो CH3 हो जाएगा, CH3 CONH2। तो हम जानते हैं CH3 को एसिटा, H को फार्म कहते हैं। तो जब CH3 CONH2 होगा तो एसिटा, एसिटा में एमाइड जोड़ दीजिए, एसिटा प्लस एमाइड इक्वल टू एसिटेमाइड। क्या हो जाएगा? एसिटेमाइड। आप लोग समझते रहिएगा, एसिटे माइड। अब बारी आई आईपीएससी नाम की। तो आईपीएससी नाम है क्या? एल्केनेमाइड। कितने कार्बन है? एक दो कार्बन है। कितने? दो कार्बन है। तो कार्बन दो पर क्या होता था? मेथ के बाद एथ होता था, और एथ में एथिल, तो एथिल का एथेनेमाइड। समझ रहे हैं ना? एथेनेमाइड समझ रहे हैं। चलिए देखिए, एथेनेमाइड। फिर एक बार समझते हैं। देखिए, CH3CONH2, CH3 को एसिटा कहते हैं, एसिटा प्लस एमाइड इक्वल टू एसिटेमाइड। बात आई आईपीएससी नाम की। सी, अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है? एक दो कार्बन। तो कार्बन दो पर होता था एथ, तो यहाँ पर हो जाएगा एथेनेमाइड। अब बारी आती है हम यहाँ बराबर डायरेक्ट 3 लेते हैं। अभी हम डायरेक्ट बता देंगे उसको, यहाँ बराबर 3 लेने का। C3H7CONH2, यही तो फार्मूला इसका बनेगा। बात आई सामान्य नाम की। CH3 पर क्या होता है? प्रोप होता है, प्रोप प्लस एमाइड, प्रोपेनेमाइड। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी, प्रोपियोनेमाइड। अब बारी आई इसके आईपीएससी नाम की। किसका आईपीएससी नाम क्या होगा? तो कितने कार्बन है यहाँ पर? 3 और 1 4 कार्बन। 4 पर होता है ब्यूट, तो यहाँ पर आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां ना समझ में आइए, जहां पर भी आप लोगों को तनिक भी डाउट होगा, तुरंत मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसको आप लोगों को अगली वीडियो में उसको जो है क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम एक और देख लेते हैं यहाँ पर, n=5 पर C5H11CONH2। अब बारी आई इसके सामान्य नाम की। आप लोग समझ रहे हैं ना इसको किस प्रकार से बनाया जा रहा है? अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं, हमने ये कार्बन और उसके यौगिक का छठा दिन है, हमने इसके लिए ऑलरेडी 5 वीडियो बना रखी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो 5 वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप लोग उसको वाच कीजिए, तभी आपको तभी जाकर यह वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं, C5H11CONH2। बात आई इसके सामान्य नाम की। C5 पर होता है पेंट, और पेंट में जुड़ेगा एमाइड, तो पेंटियोनेमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटियो, तो ये पेंटियोनेमाइड बन जाएगा।
तो अब इसका बात आई इसके आईपीएससी नाम की। तो देखिए, 5 और 6 कार्बन 6 पर होता है हेक्स, तो हेक्सेने माइड। तो आई होप आप सभी को ये पूरी बातें जो है समझ में आई होगी। अब जो बीच बीच में रह गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर C2 रह गया, तो C2H5CNH2, C2 पर एथियोनेमाइड और बात आई आईपीएससी नाम की, तो 2 और 1 के वाला कार्बन 3, तो प्रोपेनेमाइड। यहाँ पर C4 रह गया, C4 पर होता है प्रो ब्यूट, तो ब्यूटियोनेमाइड और बात आई आईपीएससी नाम की, तो एक जो हो जाएगा पेंटेनेमाइड यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर C6C7 ऐसे हेक्सियोनेमाइड और वहां पर हेप्टेनेमाइड ऐसे हेप्टियोनेमाइड ऑक्टेनेमाइड। इसी प्रकार से जो है पूरा जो टेबल है ये कंप्लीट होता चला जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मुझे ये बात यहाँ पर नहीं समझ में आई, तो मैं उसका निदान आप लोगों के उस बात का निदान जरूर करने का प्रयास करूंगा। तो अब बात आती है इनके स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं फिर इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए इरेज करते हैं, तो देखते हैं हम थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RCONH2 की, कि इनका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से बनाया जाने वाला है। तो RCONH2 के बारे में हम ये बात करेंगे कि क्या एल्किन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन बाद में बचता था वही CONH2 लेता है कि कुछ और मतलब लेता है इलेक्ट्रॉन तब वो बैलेंस होता है। तो चलिए इनके इलेक्ट्रॉनों कॉन्फिगरेशन को हम बना लेते हैं। तो देखिए R के बाद कुछ में एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है उसी को हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वही। बारी आती है CONH2 के बारे में, कार्बन के बाहरकोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरकोश में 6, नाइट्रोजन के बाहरकोश में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप लोग फिर ध्यान रखिएगा, एक नाइट्रोजन नया आया है, नाइट्रोजन के बाहरकोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो R हो गया। बारी आई कार्बन की, तो C इसके बाहरकोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2, 3 और 1, 4, 3 इसका ही ये हो गया। अब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। अब बारी आती है हम ऑक्सीजन को दर्शाने, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरकोश में, तो 6 को दर्शाते हैं 1, 2, 2, 4 और 2, 6। बारी आई नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से नाइट्रोजन के बाहरकोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2, 3 और 3 और बाकी के 2, 1 और 2, 5, 3, 2, 5 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से कौन बैलेंस होता है। एल्किन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के उसके पास एक्स्ट्रा थे वह अपन टोटल एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर कंप्लीट करेगा। कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एल्किन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन करेगा, तो 2, 1, 3 और 1 नाइट्रोजन से लेगा, 3, 1, 4, 4 उसके पास ऑलरेडी थे, 4 उसने इस प्रकार से लिए, तो 8 कंप्लीट हुए। बारी आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर कंप्लीट कर लेगा। बारी आई नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन क्या करेगा, अभी 2 हाइड्रोजनों को जोड़ना बाकी है, तो हाइड्रोजन भी जोड़ लेते हैं यहाँ पर 1 और 1, 2, 1, 1, 2 हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 उसके पास ऑलरेडी था, 1 के वाला हाइड्रोजन लेके 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन ये मिला, 7 एक कार्बन से ले लेगा। आप नाइट्रोजन के भी इसी प्रकार से जो है कंप्लीट हो जाने वाले। तो आई होप आप सभी को पूरी बातें जो है समझ में आई होंगी। तो अब हम इसका जानते हैं CH3 का बनाना, CONH2 को हम जान ही गए, CONH2 का किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बस सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनों का इन्हें आवश्यकता होती है वही हम देते चले जाएंगे, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट बनता चला जाएगा। अगर ये बात आपको ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं इसको अगली वीडियो में दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए फिर एक बार हम इसका मेन जो स्ट्रक्चर होगा किस प्रकार से बनाएंगे, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड L। तो नाइट्रोजन को चाहिए था 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, कार्बन को 4, तो 2, 2, 4 कार्बन के बॉन्ड लगे हुए, हाइड्रोजन के 1-1, हाइड्रोजन के लिए 1-1 बॉन्ड लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट। बात आई ऑक्सीजन को नीचे जोड़े या ऊपर, तो चाहे जैसे जोड़े कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन को यहाँ ऊपर नीचे चाहे मतलब नाइट्रोजन से ही जोड़े चाहे जहां जोड़ दें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को यह बात भी समझ में आई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं किसी एक स्ट्रक्चर के बारे में, CH3CONH2 के बारे में। चलिए देखते हैं, सी से 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, 1, 2 और 1, 3। बात है CONH2 की, तो CONH2 इसी प्रकार से जुड़ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, CONH2 जुड़ गया। CH3CONH2 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। CH3 किस प्रकार से अपना ये तो आप समझ ही गए, CONH2 को किस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे। बात है CH3 की, 4 इसके पास ऑलरेडी था, 1 के वाला कार्बन दिया 5 और 3 हाइड्रोजन दे दिया, 8 इसका भी कंप्लीट हो गया। ये आप नहीं समझे हैं, समझ गए होंगे आई होप, अगर ना समझे हो तो फिर बताइएगा मैं समझा दूंगा बार बार इलेक्ट्रॉनों को क्यों वितरित किया जाए। यहाँ पर बारी आती है हम C5H3 उसका बना लेते हैं, वैसे ही बनता चला जाएगा। देखिए 3C है, 1, 2, 3C। बारी आई CONH2 को जोड़ दे यहाँ पर, तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, CONH2 भी जोड़ गया। अब बारी आती है इसमें कितने हाइड्रोजन है, 7 है, तो 3 ऊपर 3 नीचे 1 इधर,
तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट बन गया है। सबके लिए कार्बन के लिए चार चार बॉन्ड चाहिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, कार्बन के लिए चार है। यहाँ पर भी देखिए एक दो दो चार। नाइट्रोजन के लिए तीन बॉन्ड चाहिए, एक दो तीन। बात है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के लिए सब जगह एक एक बॉन्ड चाहिए, कंप्लीट है। ऑक्सीजन का दो बॉन्ड भी कंप्लीट है। तो स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सही है। बॉन्ड कितने किसके लिए कितने बॉन्ड चाहिए उसकी बैलेंसी पर डिपेंड करता है। जितनी जिसकी बैलेंसी होगी उसको उतने ही बॉन्ड की जरूरत होगी। जैसे कार्बन की बैलेंसी चार होती है तो कार्बन को चार बॉन्ड, नाइट्रोजन की बैलेंसी तीन होती है। अब वो प्लस माइनस तो बैलेंसी होती नहीं, वो ऑक्सीकरण संख्याएं होती है। तो जिसको जितनी बैलेंसी की जिसकी जितनी बैलेंसी होती है उसमें उतने ही बॉन्ड लगते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में तीन बॉन्ड लगे क्योंकि इसकी बैलेंसी तीन होती है। हाइड्रोजन में एक बॉन्ड लगे क्योंकि उसकी बैलेंसी एक होती है। ऑक्सीजन में दो बॉन्ड लगा है क्योंकि उसकी बैलेंसी दो होती है। तो आई होप आप सभी को इसका स्ट्रक्चर जो है समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा समूह है RNH2, CONH2 नहीं सिर्फ NH2, इसको बोलते हैं एल्किल एमीन समूह या फिर एल्किल एमीन मतलब एमीन समूह इसको बोलते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, फिर एमीन समूह अपना पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो साथियों अब जो हमारा अगला समूह है वह है RNH2 यानी कि एल्किल एमीन समूह, इसको हम एमीन समूह भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या एल्किल के पास जो बाय इलेक्ट्रॉन था उसी से NH2 सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो इसको हम स्ट्रक्चर में कंप्लीट बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो RNH2 समूह जो होता है इसका सूत्र होता है CNH2M+1 और NH2 इसमें जो ज्यादा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बात आई सामान्य नाम की, सामान्य नाम इसका होता है एल्किल एमीन। क्या होता है? एल्किल एमीन होता है, एल्किल एमीन इसका सामान्य नाम होगा। अब बारी आती है इसके IUPAC नाम की, एल्किल एमीन एल्केने मीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा, एल्केने मीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं N=1 पर। थोड़ा हमने इसको इरेज नहीं किया, वही बात चल जाएगी बार बार ना। N=1 पर तो CH3 हो जाएगा, इसमें NH2 जुड़ जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, एल्किल एमीन है तो यहाँ पर मेथिल एमीन हो जाएगा क्योंकि एक पर मेथ होता है। क्या होता है? मेथ। तो मेथिल एमीन हो जाएगा इसमें, नो डाउट मेथिल एमीन। अब बारी आती है IUPAC नाम की, तो कार्बन वन है तो मेथेन एमीन इस पर भी हो जाएगा, मेथेन एमीन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है N=3 ले लेते हैं, C3H7 इसमें जुड़ जाएगा NH2। क्या जुड़ेगा? NH2 सॉरी NH2 जुड़ेगा। तो C3 पर होता है प्रोप, हो जाएगा प्रोपिल एमीन। क्या हो जाएगा? प्रोपिल एमीन। बारी आई IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपिल एमीन प्रोपेने मीन। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए हम N=5 पर चलते हैं, इसमें भी NH2 जुड़ जाएगा, C5H11 NH2। बात आई C5 पर होता है पेंट, साधारण नाम बनेगा पेंटिल एमीन। साधारण नाम क्या बनेगा? पेंटिल एमीन। बात आई IUPAC नाम की, पेंटेने मीन। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने छोड़ दिया बीच बीच में, C2H5 NH2। C2 पर होता है एथिलेमीन। यहाँ पर हमने छोड़ा C4H9 NH2। बात आई साधारण नाम की, C4 पर होता है ब्यूटिलेमीन ब्यूटेनेमीन। C7 पर बात कर लेते हैं इसे, C7H15 NH2। C7 पर होता है हेप्टिलेमीन हेप्टेनेमीन। अगर अभी भी आपको इस ग्रुप में कोई समस्या हो तो आप लोग तुरंत मेरे डिस्क्रिप्शन में मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में भी मुझसे इसको पूछ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ग्रुप जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो जा रही है इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर हम इसका बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाने से पहले थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा तभी हम स्ट्रक्चर जो है अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए हम इनका स्ट्रक्चर जो है समझते हैं। बारी आती है यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने की। तो जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि नाइट्रोजन के बायकोस में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बायकोस में 1 और एल्किल के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होता है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। R के बायकोस में 1 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन के बायकोस में कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के बायकोस में 5, तो 1 2 और 1 3 और 2
पांच नाइट्रोजन के बाद कोष में हो गया। बारी है यहाँ पर हमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ देंगे। अब देखिए क्या इनका बैलेंस है, एल्किल के साथ एक इलेक्ट्रॉन एल्किल को दे देंगे और एक एल्किल से ले लेंगे। अब बारी है कि पांच था, एक एल्किल से लिए छह, दो हाइड्रोजन से ले लिए आठ, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें नो डाउट ये भी बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा आपके सामने बनकर, हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन से लेगा, ये एक नाइट्रोजन से लेगा, तो इसका भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बॉन्डिंग किस प्रकार से करते हैं देखिए, आर सिंगल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, इसी प्रकार से इसकी बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन के लिए तीन, हाइड्रोजन के लिए एक, एल्किल के लिए मतलब वो अभी बनता चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई होप आप सभी को यह पूरी बातें जो है समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं उसका निदान अवश्य करूंगा। तो ये अगर आपको समझ में आया हो तो हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर के बारे में। अब बार बार हम इलेक्ट्रॉनों को नहीं दर्शा के बताएंगे, आप इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना सीख चुके होंगे अभी, तो हम इसको अब डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। CH3 का स्ट्रक्चर C, इस प्रकार से C बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर, तीन हाइड्रोजन इस प्रकार से जोड़ेंगे, बारी आई NH2 जोड़ने की, सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से NH2 जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही सभी स्ट्रक्चर जो है इनके बनते चले जाएंगे। जिस स्ट्रक्चर को बनाने में आपको जो भी समस्या आई उसे आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को उसका ऑफलाइन निदान, ऑफलाइन सोल्यूशन या ऑनलाइन अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन अवश्य देने का प्रयास करूंगा। तो वैसे मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं है, क्योंकि इतनी सरलता से जितनी आसानी से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि इतनी सरलता और इतनी आसानी से कोई नहीं समझाता होगा, बिल्कुल भी नहीं समझाता होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो और पसंद भी आई हो तो यार कृपया यार मेरी मेहनत का मुझे परिणाम दो और सब्सक्राइब ठोक दो, बहुत सही समझे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को कृपया, और उसके बाद में नोटिफिकेशन का बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। एक दृष्टि IAS चैनल आप लोगों ने देखा होगा, उसमें है डॉक्टर विकास द्विकीर्ति सर जी, वो क्या बोलते हैं कि जिंदगी हमारी जो एक ऐसा खिलौना है, जिंदगी हमारी एक ऐसा खिलौना है जिसमें जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। मतलब लोग सपने देखना बंद नहीं करते हैं, सपने देखना बंद नहीं करते हैं, उनको जो हासिल है वो उनके लिए जीरो होता है, मिट्टी होती है, लेकिन वो जो नहीं पाए हैं वही हमेशा सोना होता है। जैसे आप लोग अगर IAS बन गए तो आप लोगों के लिए जीरो है, लेकिन जो नहीं बने हैं उनके लिए वही चीज सोना होती है, वही चीज क्या होती है, सोना। डॉक्टर विकास द्विकीर्ति सर जी के ये वाक्य थे। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं तब तक अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए जय।